अभिषेक मलान से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई है मनीषा रानी जब से वो नॉमिनेट हुई है। दरअसल फलक ने मनीषा को नॉमिनेट किया, फलक फोटो फ्रेम लेकर आती है और यहाँ पर जिया को अभिषेक को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि कोई अपनी फोटो फ्रेम दे रहा है और उनका रीजन भी ठीक ठाक होता है, जिसके बाद यहाँ पर मनीषा नॉमिनेट होती है। मनीषा को ये बुरा नहीं लग रहा है कि वो नॉमिनेट हो गई, उनको बुरा ये लग रहा है कि कोई कुछ भी यहाँ पर रीजन दे रहा है और यहाँ पर फोटो जो कहीं ना कहीं चीजें हैं उसकी ज्यादा मान्यता रखी जा रही है, लोगों के रीजन इंपॉर्टेंट तुम लोग नहीं ले रहे हो कि रीजन को इंपॉर्टेंट मान करके यहां पर नॉमिनेट करो, यहां पर चांस दो, लेकिन सामान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जिसके बाद अभिषेक मलान का कहना है कि तुम लोग क्या ला रहे हो, कुछ लोग कपड़े लेकर आ रहे हैं, शैम्पू कंडीशनर कौन एक्सेप्ट करेगा, बिग बॉस के घर में भी शैम्पू कंडीशनर मिल जाता है, मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं, वो चीज लेकर के आओ जो कि अनोखी हो, जिसका कोई भी ऑप्शन ना मिले। जिसके बाद अभिषेक मलान को समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि यार तू ही बता, अगर तेरे सामने कोई फैमिली फोटो लेकर के आएगा तो तू क्या करेगी। जिसके बाद मनीषा कहती है देख अभिषेक, माँ बाप का फोटो दिल में रहता है, फोटो की अगर बात रही तो मैं भी लेकर के आ सकती थी, जी हाँ हम भी लेकर के आ सकते थे, लेकिन फोटो दिल में होता। अब यहाँ पर अभिषेक का अपना ओपिनियन है तो यहाँ पर मनीषा का अपना ओपिनियन है, इसकी वजह से दोनों की बहस होती हुई नजर आई है, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो गई है। एक तरफ जैसे बेबी का नॉमिनेट हुई उन्होंने भी सबसे पहले अभिषेक को ही निशाना बनाया और उसके बाद मनीषा को गुस्सा आया कि लोगों के रीजन देखो ना कि लोगों का सामान देखो, पर्सनल कौन क्या लेकर आया, लेकिन बेसिकली टास्क यही है कि सामान अपने सामान का बलिदान देना है, पर्सनल सामान का, तो उस पर ही यहाँ पर ये जिया है और अभिषेक, इनको फैसला लेना है। तो मुझे लगता है कि अभिषेक और जिया ने सही फैसला लिया है। क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा ये फैसला, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।